ये बिल्कुल अनप्लान है, लेकिन आज मैं सोचा कि आज हम देंगे कुछ इंडियन ड्रामा शिट को और उन पर रिएक्ट करेंगे। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मैं अमना सिद्दीकी और मैं आ गई हूँ बहुत 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 दिनों बाद, और आज मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही फन वीडियो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, क्योंकि मैंने सोचा यार फजूल में वैसे भी मैं मोबाइल यूज करती ही रहती हूँ, तो आज हम रिएक्ट करेंगे टू सम इंडियन चिट ड्रामा सीन्स के ऊपर कि यार इंडिया वाले क्या सोच के अपना ड्रामा बनाते हैं, और इतने पॉपुलर ड्रामाज में इतने कोई शिट्टी किस्म के सीन्स होते हैं और इतने इलॉजिकल सीन्स होते हैं कि यार मतलब बंदा सोचे कि वाओ। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। डॉक्टर कह रहा है कि हम आपके पति को नहीं बचा सके, अब देखते हैं कि पत्नी करती क्या है। हम आपके पति को बचा नहीं पाए। निकाल कर मैं करूंगी। अच्छा इससे मुझे जो है वो गोपी बहू वाला सीन याद आ गया कि जब गोपी बहू कोमा में होती हैं, अहम जी उनको बोलते हैं कहाँ है मेरी ग्रीन टी ब्लैक टी, तुम सो क्यों रही हो गोपी, और वो कोमा से बाहर आ जाती हैं, और ये बिल्कुल वही सेम सीन लग रहा है। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी। क्या लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डॉक्टर भी कुछ नहीं बोला, अभी वो अंदर जाके ऑपरेशन करने जा रही है। ऑपरेशन करने जा रही है। व्हाट इज दिस? देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांस ले रहा है। सेम मेरा भी यही रिएक्शन है। व्हाट? ठीक है, डॉक्टर ने अपना सामान ही फेंक दिया जाके कचरे में, कि हमारी क्या जरूरत है, हमारी डिग्री की कोई जरूरत ही नहीं। अरे यार आपकी सिमर अब एक मक्खी बनने वाली है। जी ससुराल सिमर का अब शायद ससुराल मक्खी का होने वाला है। मस्त जोक मारा रे। टेली मसाला की रिपोर्टर भी ससुराल सिमर को रोस्ट कर रही है, क्योंकि सिमर का किरदार अब एक मक्खी निभाएंगी। कोई सेंस है इस बात का? नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। इसको तो मेरा दिल जा रहा है कहने का हा हा वो मैं। ओके लड़की ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन अब देखते हैं कि उनके लिए चांद लेकर आ कौन रहा है। ओके उसके पास एक रस्सी है और चांद को खींच रहा है। चांद का आंटी कौन बनेगा? सारे लोग मिलके चांद को खींच रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हैरी पॉटर, व्हाट द हेल? चांद जमीन पे गिर चुका है और चांद के टुकड़ा देखो तुम लोग कितना नकली है। हैरी पॉटर बन गया था यार कसम से। वो गोपी बहू वॉशिंग द लैपटॉप, यार दिस सीन नेवर गेट्स ओल्ड। और हम होते तो भाई हम नॉर्मल, हम इंडियन ड्रामास वाले नहीं है, हम बोलते तो भाई ये क्या कर दिया। एंड अहम जी भी लाइक खड़े होके ढूंढता 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 सारा उसका डेटा चला गया। एंड इज लाइक ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. ठीक है 10 बार मिरर खुल चुका है यार, ये तो टिकटॉक आजकल के टिकटॉक से भी अच्छे लिए थे एग्जाम में। अब आगे का सीन भी कर दो यार, कितनी बार दिखाएंगे लोग, जूम इन जूम आउट जूम इन जूम आउट। ओह माय गॉड यार। ओके अब दूसरा सीन आ चुका है हमारे पास, सास बहू समथिंग कुछ लग रहा है। इस तरह की एडिटिंग मैं 5 क्लास में किया करती थी जब नया नया वाइवा वीडियो आया था। शीशा टूटने वाली एडिटिंग ये मैं किया करती थी बचपन में। भाई अभी तो सीढ़ियां हैं भी नहीं, ये पिछली कहां से? ओह माय गॉड व्हाट द हेल? तुम लोगों ने भी वही देखा जो मैंने देखा? नहीं।
दोबारा चलाऊंगा इसको, दोबारा चलाऊंगी मैं। अच्छा ये फिसली पहले, उसके बाद वो उसको बचाते बचाते गिरी है, वो बचाना तो ऐसे था ना कि खुद नहीं गिरती और खुद सीधी गिर रही है वो गिरी यूं थी, लेकिन वो कैसे, नो लॉजिक। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ससुराल से बरगा का पहला सीन देखते हैं इन्होंने इसमें क्या किया है। तो बिल्कुल तमिल फिल्मों के हीरोज की तरह खड़ी हुई है। ओ माय गॉड, वो नीचे गिर गई और उसका पूरा पूरा उसका मुंह जो है वो उनके पल्लू में लिपट चुका है। तुम लोग दोबारा से देखो, फिर से दिखाती हूँ। अबे कूद कर रही है वो, ये परी। और ये दुपट्टा क्यों पकड़ी हुई है हाथ में ससुर साहब? अरे भाई उसका मुंह बिल्कुल डाकू की तरह बन चुका है, मम्मी लग रही है वो। छोड़ दो मेरे घर, छोड़ो। अच्छा उन्होंने बोला छोड़ो छोड़ो और फिर उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। अब पीछे मुड़ के क्या देख रही हो जब उसका गला दब चुका है पूरा। स्लो क्लैप्स भाई, स्लो क्लैप्स। अब ये रीसेंट नागिन का सीजन देख रहे हैं हम शॉर्ट। पहले से नागिन निकाली मुन्ना पे डोला अलग ला। बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा हूँ तो कन्यादान भी मैं ही करूँगा। Oh my God! Wow! पापा जैसे हो तो कन्यादान भी तुम्हें करोगे? मतलब पापा जैसे हो, पापा हो तो नहीं ना, तो कन्यादान मतलब कैसे? लड़की भी मान गई हो कि सर कन्यादान कर दे, मतलब अपने बॉस को कह दिया कि मेरा कन्यादान कर दे, बहुत आगे सर नहीं पापा। तो सैलरी फ्री में दे दिया करे, शट अप। जबरदस्ती भाई शादी हो रही है, शादी करके जल्दी कर जाओ अपना खाना निपटा के। लड़की ने बोला जल्दी जल्दी बोल के दफा करो उसको। नागिन सिक्स कैन डैमेज योर ब्रेन। एक महामारी पूरी दुनिया को जकड़ने की। ओके ये ट्रेलर है नागिन सिक्स के सीजन का। चुकी है नागिन जल्द सिर्फ। लेकिन एक सेकंड। यही सवाल मैं तुमसे। ये नागिन पूरी दुनिया को जकड़ सकती है लेकिन इसे कोई एक इंसान उठा ले जाता है। मुझे तो लगता है मेरे सामने आएगी तो 3000 थप्पड़ मैं भी मार दूंगा। भाई जो भी है ये यूट्यूबर, इसने बहुत ही गंदा लेम जोक मारा है, मेरा पूरे 15 मिनट इसमें जाया करे। खैर मेरा आज के लिए बहुत हो चुका है, बस हो गई है मेरी यार, और अब मैं और इस तरह की वीडियोस नहीं देख सकती। तुम आके कर लो वीडियो, इधर बैठ जाओ तुम, मैं चली जाती हूँ। तो यार मेरा तो दिमाग हिल चुका है बिल्कुल ये नागिन और सिमर के सीन्स देख देख के। तो भाई मैं तो इंडियन ड्रामास का बायकॉट करने वाली हूँ जल्दी, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया वालों ने अब इस तरह के सीन्स बनाना छोड़ दिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी अगली वीडियो में अच्छे फ्रेम के साथ, इसी अपने पन के साथ। कि अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। खत्म, मजा आया।